हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स नीट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट 2021 का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको बायोलॉजी सेक्शन किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वेटेज का पूछा जाता है वो बायो सेक्शन ही पूछा जाता है। आप सभी को पता है 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो बायो के आएंगे, और सबसे इजी भी आपकी बायो पढ़ती है कंपेयर देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि बायो से जो क्वेश्चन आएंगे वो सिंपल स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आपकी काफ़ी इजी पढ़ती है फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपेयर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं यही आपको बताने वाली हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स कि आपको किस तरीके से बायोलॉजी सेक्शन की प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप नीट के एग्जाम को क्रैक कर सके अच्छे मार्क्स से। तो फ्रेंड्स, ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। और इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में फ्रेंड्स, यदि आप नीट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन अकेडमी आपके लिए लाया है अमेजिंग ऑफर, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट अन अकेडमी कॉम्बैट नाम से नीट यूजी के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये आपका वीकली रखा जाता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि विनर्स भी डिसाइड किए जाते हैं। 100% स्कॉलरशिप विनर 21 मार्च का आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स हैं जिनको 100% स्कॉलरशिप मिली है, जो टॉप विनर्स रहे हैं उन स्टूडेंट्स को। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये भी पता है कि नीट यूजी की जो फाइनल एग्जाम डेट है वो आपकी अनाउंस कर दी गई है, 1 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये जो स्कॉलरशिप जीतने तक का आपको मौका मिलेगा, 3.5 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं आप। आपको ये जो टेस्ट है आपका कॉम्बैट कॉन्टेस्ट है, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। बस आपको कोड यूज करना है PRIYA2010। जब आप इस टेस्ट को देने जाएंगे तो वहां पर कोड मांगा जाएगा, तब आपको PRIYA2010 आपको रेफरल कोड यूज़ करना है, जिसके थ्रू आपका जो टेस्ट है वो अनलॉक हो जाएगा, बिल्कुल फ्री रहने वाला है आपका। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम इनरोल क्यों करें नीट यूजी कॉम्बैट के लिए। तो देखिए क्या क्या बेनिफिट्स है। 3.5 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का आपको मौका मिलेगा, लाइव टेस्ट दे सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन से, और आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री रहने वाला है। और ये जो टेस्ट रहेगा 60 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन रहने वाला है इस कॉन्टेस्ट का। इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, और ये एवरी संडे होता है। ड्यूरेशन रहेगा इसका 60 मिनट्स का, और प्राइजेस रखे गए हैं। सबसे अच्छी बात ये है, जो टॉप 3 विनर्स होंगे उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन, और जो 150 विनर्स रहेंगे उनको भी एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जरूर आपको ये टेस्ट देना है, और आपको PRIYA2010 रेफरल कोड यूज करना है, ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट को देख के। और जो स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, 60 मिनट्स का होने वाला है, 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो टेस्ट होगा ये क्लास 11, 12th एंड ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होने वाला है। 3 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो आप अपना स्कोर देख सकते हैं इस कॉन्टेस्ट के थ्रू। ये एवरी संडे आपका होता है, इनरोलमेंट बिल्कुल फ्री रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगी, वहां से डायरेक्टली आप खुद को फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल कर सकते हैं। और अभी ये एंड्रॉयड ऐप पर भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये है रेफरल कोड PRIYA2010। अन अकेडमी के जितने भी फ्री प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को अनलॉक करने के लिए आपको इस कोड की ज़रूरत होगी, और साथ में अगर आप कोई भी पेड कोर्स लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यदि आप PRIYA2010 रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो 1 अगस्त को फाइनली अनाउंस हो चुका है, और 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका वो बायो है, क्योंकि आपके जो मार्क्स गेन करवाएगा वो बायो सेक्शन ही गेन करवाएगा, क्योंकि फिजिक्स से क्वेश्चन ऐसे होते हैं घुमा फिरा कर, न्यूमेरिकल्स और जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी थोड़ा सा टिपिकल थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेकिन बायो के अंदर आपको सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बिल्कुल एकदम चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्लियर होगी। तो देखिए किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है तो नीट 2021 के लिए। तो आप सभी को पता है कि 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पेपर के अंदर टोटल आपके 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप है। और जो नीट का एग्जाम है वो आप सभी को पता है कि NTA कंडक्ट करवाती है,
और जो ये एग्ज़ाम होने वाला है वो प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा, और अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं मतलब नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो 1 मार्क आपका काटा जाएगा उसके अंदर, ठीक है। और ये जो नीट के लिए जो मेडिकल कॉलेजेस में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपको वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, और ये NTA के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। अब मैं बात करती हूँ कि जो बायोलॉजी सेक्शन होगा उसमें किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो जो प्रीवियस ईयर नीट का जो पेपर रहा है उसका पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग जो बायोलॉजी सेक्शन है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होगा बॉटनी और जूलॉजी। जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें 90 क्वेश्चंस रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का रहेगा, तो 90 × 4 कितना हुआ, 360 मार्क्स का हुआ। तो आपका 360 मार्क्स ओनली बायोलॉजी सेक्शन होगी, मतलब हाफ आपका बायो हो रहेगा पेपर के अंदर। 720 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो जो नीट बायोलॉजी का जो पेपर जो सेक्शन रहेगा वो क्लास 11th और क्लास 12th के सिलेबस से ही लिया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको जरूरी है कि क्लास 11th एंड 12th के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर फोकस करें और उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्लास 11th 12th है, आपको पूरा सिलेबस जो है वो कवर करना है। जो नीट का पेपर होगा उसमें 40 से 42 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि क्लास 11 से पूछे जाएंगे, और जो आपके 45% जो रहेगा नीट बायोलॉजी सेक्शन आपका रहेगा, तो रिमेनिंग आपके 48 से 50 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो क्लास 12 से आपके पूछे जाने हैं एग्जाम में। तो बायोलॉजी सेक्शन का जो पेपर होगा वो NCERT बेस्ड होता है, क्लास 11th और 12th के बायोलॉजी बुक से, ठीक है। उसमें डायरेक्ट जो क्वेश्चंस होंगे आपको देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखना है, क्योंकि आपको उसके बेसिस पर ये पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कि आपको किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एंड देन देयर आर सम एप्लीकेशन बेस्ड मॉडिफाइड क्वेश्चंस भी होते हैं उसके अंदर, दैट आर मीन फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव understood the applications of all the concepts and make all the difference while qualifying the exam, ठीक है। सबसे पहले आपको notes prepare करने हैं, class 11th की book पढ़नी है, class 12th की book पढ़नी है, और आपको notes prepare करने हैं कि जब students biology chapter पढ़ेंगे जो जो important concept उनको लगे उनको paper के ऊपर note कर लेना है उनको अलग से, ठीक है। और जो प्रत्येक chapter होगा उसको brief में पढ़ना है, जो भी आपको लगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है या आपको लगता है कि आप इसको बार बार भूले जा रहे हो तो उसको भी अलग से नोट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि रिवीजन के टाइम पर, एग्जाम के टाइम पर या एग्जाम से जस्ट पहले आप उनको एक बार देख सके, इस तरीके से आपको करना है। जो डायग्राम्स होंगे उनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको हर चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो जाए, हर एक पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पता है कि एग्जाम में पूछा जा रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है स्टूडेंट्स के लिए कि जो डायग्राम रहेगी उनकी लेबलिंग रहेगी उन सभी से वो अवेयर रहे, बेसिक स्ट्रक्चर उनको पता होना चाहिए, और नीट डायग्राम उनको बिना किसी ट्रेसिंग के, बिना किसी ओल्ड मार्क के उनको ड्रॉ करना आना चाहिए, उनके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और जो स्टूडेंट्स होंगे उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए डायग्राम्स की रेगुलरली सिलेबस के साथ साथ, है ठीक है, क्योंकि डायग्राम से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो प्रैक्टिस मटेरियल रहेगा नीट बायोलॉजी सेक्शन का, जैसे आप जो बुक्स है वो रिफ़र कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए, आपके सैम्पल पेपर रहे, ये आप बायोलॉजी सेक्शन के लिए आप तैयार कर सकते है, ठीक है। कुछ बायोलॉजी के नीट की बुक्स है, वॉल्यूम बायो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो आप देख सकते हैं, बॉटनी के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरीके से आप जो अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक है वो आप खरीद सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स हैं वो जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर रहे हैं एम्स के, जिपमर के, जो पहले अलग से एग्जाम होता था जिपमर पौंडीचेरी, तो वो पेपर भी आप उनको लेकर वहां से और सॉल्व कर सकते हैं।
तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगर आप ओनली बायो सेक्शन भी प्रिपेयर करते हैं तो 360 मार्क्स का तो आपका बायो है, मतलब हाफ वेटेज आपके एग्जाम का बायो है। उसके बाद जो आपका हाफ 360 बच गया वो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है, और फिजिक्स से थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आपको जो फोकस करना है वो बायोलॉजी सेक्शन के ऊपर करना है, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और नीट का एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर अब तक कोई अपडेट आई नहीं है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है नहीं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं अपने चैनल के ऊपर सबसे पहले अपडेट डालूंगी। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही जो आपकी लेटेस्ट अपडेट रहेगी अगर मैं डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप जल्द से जल्द अपडेट हो जाएंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकला है, आपको किस तरीके से फिल करना है वो पूरा प्रोसेस आप मेरे थ्रू जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।